तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है गतिविधि नंबर दो का, प्री स्कूल में जाने वाले बच्चों की आयु 3 से 6 वर्ष है, तो ये सही और गलत में उत्तर देने, तो ये विकल्प सही है। सही पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न मिलेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि प्री स्कूल शिक्षा से आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास होता है, तो ये भी सही है। सही पर क्लिक करेंगे, आगे एक और प्रश्न मिल जाएगा आपको। प्री स्कूल में बच्चे खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री से नहीं सीखते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर गलत का टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और प्रश्न मिलेगा, मौखिक भाषा का विकास ध्वनिजन्य जागरूकता, प्रिंट जागरूकता आदि प्री स्कूल स्तर पर शारीरिक विकास के घटक हैं, तो ये भी गलत है। एक और प्रश्न मिलेगा, प्री स्कूल शिक्षा के सभी पहलू जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास परस्पर संबंधित, परस्पर निर्भर हैं, तो ये सही विकल्प है। अब देखते हैं यहाँ पर यदि आप इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका स्कोर 5/5 मिल जाएगा। तो अब चलते हैं और देख, निष्ठा कोर्स में ये पहला प्रशिक्षण पहला मॉड्यूल है, इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में प्रश्नोत्तरी आकलन के अंतर्गत गतिविधि नंबर 4 के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, समग्र रूप से सीखना एकीकृत समावेशी आनंददायक और आकर्षक नहीं होना चाहिए, तो इससे आप असहमत हैं, ये क्लिक करेंगे। आगे एक और प्रश्न मिलेगा, उसमें लिखा है, एक बार जब छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में पिछड़ जाते हैं तो वे वर्षों तक सीखने की अवस्था में ही बने रहते हैं, जो लगातार सीखने समझने में असमर्थ होते हैं, तो ये सहमत हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मिलेगा, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन का लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान की व्यापक रूप से लागू करने के लिए सभी पहलुओं को सक्षम वातावरण से जोड़ना है, ताकि प्रत्येक बच्चा पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके, तो इसमें आप सहमत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे एक और प्रश्न मिलेगा, छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के साथ के मिलकर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य और मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव तरीके से अनिवार्य रूप से सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो वास्तविक रूप में भविष्य में सभी प्रकार के शिक्षण पर आधारित बनता है, तो इसे सहमत करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक और प्रश्न मिल जाएगा, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान प्राप्त करना तत्काल राष्ट्रीय मिशन नहीं बनना चाहिए, तो ये असहमत है। तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न सॉल्व किए, 5 प्रश्नों में 5 प्रश्न इस प्रकार से आप सही सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी, जिसमें जो प्रश्न शामिल किए गए उनको देखेंगे। जो निष्ठा 3.0 है, इसमें प्रत्येक कैंडिडेट्स यानी कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं, शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक, जिन्हें भी ये प्रशिक्षण पूरा करना है, उनको 70% से कम अंक लाने पर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को सही से देखिएगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न सम्मिलित किया गया है वो है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए .. प्रदान करेगा, तो ये पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा प्रदान करेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन .. के द्वारा होगा, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होगा। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय .. मिशन होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, NEP ने FLN हासिल करने के लिए .. की समय सीमा निर्धारित की है, तो ये 2025 तक समय सीमा को निर्धारित किया है। ECCE का पूरा नाम क्या है, तो इसका है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें .. के रूप में जाना जाता है, तो ये आंगनवाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। आगे है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय .. तो यहाँ पर किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र है, तो विकास की दर। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न आपको इसे मिलेगा, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि वर्ष
पाँच वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा वालवाटिका में जाएगा जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा वालवाटिका। तो ये कक्षा एक से पहले की एक कक्षा जो होगी उसके लिए ये कार्यक्रम है। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। मिशन मोड में .. तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए 25 और 26 है। आगे चलते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का राष्ट्रीय दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जाए जो .. प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 में जा सके। तो इसके लिए बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण होना चाहिए। आगे एक और प्रश्न मिलेगा, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व वाटिका में शिक्षा की .. का प्रस्ताव है। तो 3 वर्ष के जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा होगा वो इसमें जाएगा। आगे देखते हैं, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्था है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ .. के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण है। तो ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को भी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति .. संयुक्त रूप से, तो ये क्या है, सभी के संयुक्त रूप से ये कार्य करती है। आगे चलते हैं, FLN मिशन की दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिए हैं। बुनियादी शिक्षा का केंद्र बिंदु मुख्य केंद्र का है पढ़ना और लिखना। आगे देखिए, प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है .. प्री स्कूल से प्रारंभिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो निर्वाध ट्रांजिशन। आगे देखते हैं, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति जो 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से .. को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो यह है ECCE। आगे देखें तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त साक्षरता और संख्या ज्ञान का निर्माण करना है। आगे देखते हैं, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? तो यह है FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। आगे देखते हैं, तो इसमें है नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यह है NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन यानी कि MDM प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ क्या है? तो ये कक्षा एक से जो पहले की जो कक्षा है उसके लिए ये बात कही गई है। तो यहाँ पर हमने ये 20 प्रश्नों को देखा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप भी सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।